आप सभी को नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड के ऐतिहासिक नगर काशीपुर से मैं डॉक्टर अशोक नौटियाल अपने इस ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज से लगभग 4 दिन पहले मैंने चैती मेले पर एक वीडियो पोस्ट किया था और उस पर काफ़ी मात्रा में मुझे कमेंट मिल रहे हैं। कई प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि चैती मेले में भीड़ कब से होगी, रात को लगेगा, दिन को लगेगा, क्या घोड़ों का मेला अब भी चल रहा है। तो इन सभी प्रश्नों के समाधान के लिए आज मैं स्वयं चैती मेले में जा रहा हूँ। फाइनली हम पहुंच चुके हैं चैती मेले में और चैती मेले में अभी लगभग 50-60% भीड़ है, लेकिन परसों से यहां पर जब मेला पूरी तरह से आयोजित हो जाएगा, क्योंकि परसों यहां पर माता रानी की डोली आएगी और उसके बाद यहां पर मेला जो है पूरे विधि विधान से शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद यहां पर ज़बरदस्त भीड़ उमड़ने वाली है। लेकिन अभी भी यहाँ पर काफ़ी मात्रा में लोग आए हैं और एन्जॉय कर रहे हैं चैती मेले को। तो दोस्तों, ये है काशीपुर में स्थित माँ बाल सुंदरी देवी जी का मंदिर और यहीं पर चैती मेले का आयोजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर माँ भगवती की दाहिनी भुजा गिरी थी और इस कारण यहाँ पर शक्तिपीठ स्थापित की गई और प्रतिवर्ष चैत्र माह की प्रतिपदा से यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। खाने पीने के शौकीन हैं उनके लिए यहाँ पर दिल्ली चाट भंडार ने एक बहुत बड़ा स्टॉल लगाया है और इसके साथ ही यहाँ पर माहेश्वरी सुपर सॉफ्टी, चॉकलेट सॉफ्टी, फ्रूट आइसक्रीम, चाउमीन, पाव भाजी, इसका भी एक बहुत बड़ा स्टॉल लगाया गया है और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आए हुए भी हैं और यहाँ पर फास्ट फूड का आनंद ले रहे हैं। इस मेले में आकर के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो काशीपुर शहर है उसमें दिल्ली यानी कि जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी है उसकी काफ़ी धूम है और यहाँ पर आप देख सकते हैं लाला जी दिल्ली चाट कैटर्स और इसके साथ ही यहाँ पर है राजू दिल्ली चाट कैटर्स। तो अभी भीड़ क्यों कम लग रही है यहाँ मेले में? आज भीड़ कम है अभी? आज भीड़ कम है। कब से होगी भीड़ बताते हैं? परसों से जब माता रानी की डोली आएगी उसके बाद। तो अच्छा चलता है आपका बिजनेस यहाँ? सही चलता। जब भीड़ बढ़ेगी तो अच्छा ही होगा। अच्छा, खाने पीने के शौकीन बहुत हैं काशीपुर में। हाँ जी, बहुत अच्छा फास्ट फूड। तो आप कब से कम काम कर रहे हैं यहाँ? कितना पुराना है लाला जी दिल्ली चाट कैटर्स? 40 साल पुराना हो गया वो। 40 साल पुराना? हाँ जी। तो दिल्ली से कुछ रिलेशन है क्या इसका? नहीं, केवल नाम रखा है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपको टिक्की मिल जाएंगी और कई तरह के आइटम यहाँ पर उपलब्ध हैं। पाव भाजी है, बहुत बेहतरीन, आप देख सकते हैं। ये डोसा बन रहा है यहाँ पर और चीला है और
फास्ट फूड में है चाउमीन। तो फ्रेंड्स ये हैं राजू दिल्ली चाट कैटर्स, और खाने पीने के शौकीन इनके पास भी आ सकते हैं, यहाँ भी बहुत सारे आइटम हैं। ये क्या है भैया? टिक्की। और ये भल्ले पापड़ी। और ये भल्ले पापड़ी। अच्छा, बहुत सारे आइटम हैं। ये हैं गोलगप्पे, पानी पूरी भी बोलते हैं इनको, पानी पूरी बतासे, हाँ मीठे बतासे। तो अभी तो भीड़ कम है मेले में, परसों से बढ़ जाएगी बता रहे हैं, तो उसके बाद सही चलता है आप लोगों का बिजनेस? चलिए ठीक है, कर्मचारी है उनमें भी बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। तो भाई साहब आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी इस मेले में ज़बरदस्त बिक्री हो, बम्पर बिक्री हो। और दोस्तों ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है मौत का कुआं। तो कल परसों से तो यहाँ ज़बरदस्त भीड़ होने वाली है, ज़बरदस्त भारत मारुति कार सर्कस। छोटे बच्चों के झूले देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे झूले लगे हुए हैं छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि छोटे बच्चों को ज़्यादा क्रेज होता है मेले में आने का। ये आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं झूले। तो सभी छोटे बच्चों का भी इस मेले में हार्दिक स्वागत है, चैती मेले में आप आइए और आनंद लीजिए इन झूलों में बैठ करके। तो भैया अभी तो भीड़ कम है मेले में, भीड़ कब से बढ़ेगी? परसों से पक्का? तो उसके बाद सही चलेगा ना फिर आपका ये काम। कितना है इसमें, कितने देर के लिए? बीस रुपये। कितने देर के लिए? बारह राउंड। तो गिनेगा कौन राउंड? आप ही गिनते नहीं है भाई, ऐसे उतार देते हैं, ज्यादा भी हो जाता है। हाँ, किसी के 15 हो जाएंगे, किसी के 10 रहेंगे। चलो ठीक है, बहुत अच्छा है, बच्चे तो बहुत इंजॉय करते हैं इसको। आप यहीं से हैं, काशीपुर से? यहीं से। तो फिर हर साल लगाते होंगे यहाँ मेले में? चलिए बहुत बढ़िया है, तो माँ बाल सुंदरी की कृपा आप पर बनी रहे, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे हैं आज इस चैती मेले में आपके पास। दोस्तों आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है काशीपुर शहर के चैती मेले में, आप भी आइए और एंजॉय कीजिए मेले को। परसों से यहाँ पर बहुत भीड़ बढ़ जाएगी, अभी मेले में भीड़ कम है, मैं काफ़ी बार कह चुका हूँ, शायद आप लोग इरिटेट भी हो रहे होंगे, लेकिन आप लोगों को सूचित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कमेंट्स आते रहते हैं कि हम तो सुबह गए थे वहाँ मेला लगा नहीं है। अब इस समय आप रात की रौनक देख सकते हैं मेले में, मॉर्निंग में इतनी भीड़ नहीं रहती, लेकिन शाम के टाइम और रात के टाइम इस मेले में लगातार भीड़ बढ़ती जाएगी। और अभी भी लोग दुकानें सजा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि रात को कई लोग इस मेले में आएंगे। और वहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं दो भाई जा रखे हैं वहाँ पर, और अभी लाइटिंग कर रहे हैं इस बड़ी सी चरखी पर, जिसमें कि लोगों को घूमने में काफ़ी रोमांचक लगता है। तो अभी इसको पूरी तरह से सजाया जा रहा है और कुछ दिन में ये रेडी हो जाएगी परसों से। तो दोस्तों बड़ी मेहनत होती है इन विशालकाय चरखियों को यहाँ पर समायोजित करने की, क्योंकि इनके अलग अलग भाग होते हैं और फिर इनको असेंबल किया जाता है, और उसके बाद ये बहुत बड़ी चरखी बनती है। और अभी इस पर लाइटिंग की जा रही है, और परसों से जब चैती मेले का आगाज होगा अच्छी तरह से, तो तब यहाँ पर बहुत भीड़ होने वाली है, बहुत ज़्यादा। तो ये भैया अभी ऊपर चढ़ रखे थे चरखी में, आप ही थे जी? आप चढ़ रखे थे जी। क्या नाम है आपका? महेंद्र। महेंद्र, तो महेंद्र भैया कहाँ से हैं आप? बरेली से। और यही इसी में काम करते हैं आप जी? तो कभी आप तो बैठे होंगे चरखी में? हमारा तो हमेशा काम है। यार हमें तो इसमें जब ऊपर चढ़ते हैं ना सबसे टॉप में, तो हमें तो बहुत डर लगता है भाई इसमें।
हमारा डेली का काम है ना, डेली का। आप तो वैसे ही चढ़े हैं बिना चरखी के? हाँ हैं। चलिए ठीक है, परसों से भीड़ हो जाएगी मेले में, तब अच्छा रहेगा। तो चैती माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, ठीक है, और आप काफ़ी तरक्की करें, यही शुभकामनाएं दे सकते हैं हम आपको, ठीक है। तो ये जो आप ऊपर देख रहे हैं बड़ी सी चरखी, इसमें ये सीढ़ियाँ हैं चढ़ने के लिए, आप यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे और इसके लिए आपको पहले टिकट लेना पड़ेगा। मुझे लग रहा है 100 रुपये से 120 रुपये तक का इसमें किराया हो सकता है, और इतना तो होना भी चाहिए जब इतना एडवेंचर करेगा आदमी। और उसके बाद इन चरखियों में आपको बिठाया जाएगा, दो आदमी इसमें बैठेंगे और दो आदमी इसमें, तो इस तरह से प्रत्येक उसमें 4 आदमी बैठेंगे, और इनको असेंबल किया गया है, एक दूसरे से जोड़ा गया है अच्छी तरह से। इस पर ये जो बल्ब लगा रखे हैं ये टेप से चिपका रखे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि पूरी चरखी पर कितने सारे बल्ब लगाए होंगे। काशीपुर से? काशीपुर। तो हर साल जब चैती मेला लगता होगा आप लगाते होंगे? हर साल लगाते हैं। और टाइम कहाँ रहती है फिर ये चरखी? मेले में ही रहती है, जगह जगह मेलों में। यूपी में भी जाते होंगे? हाँ, शहर में जाते हैं जी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत बढ़िया, हम तो सब में जाते हैं जी। ठीक है ठीक है। अभी और यहाँ पर आपको अच्छी ढोलक मिल जाएंगी। नमस्कार भाई साहब, कितने से है ढोलक स्टार्ट? 500 से स्टार्ट है, और हाईएस्ट कितना है? 1500, 1800, 1600, 1200। बढ़िया क्वालिटी की? क्वालिटी 2000 रुपये की। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी ढोलक रखी हुई हैं। कहाँ से आए आप? अमरोहा। अमरोहा उत्तर प्रदेश, कुमार विश्वास के गांव से। छोटी छोटी ढोलक में दोस्तों, डॉग्स तो आप पालते ही होंगे अपने घर में, लेकिन ये देखिए रेडीमेड डॉग, बिल्कुल ये आपके मन को प्रसन्न कर देंगे, आप देख सकते हैं। भैया कितने का है एक? 150 रुपये का एक, 80 रुपये का एक। 150 रुपये का एक। और खाना क्या खाते हैं ये लोग? कुछ खिलाना इनको? और इस शॉप को देख सकते हैं, यहाँ पर लकड़ी के सामान से कितनी आकृतियाँ बनाई गई हैं, बहुत बेहतरीन कलाकारी। भैया इनको आप लोग ही बनाते हैं या खरीद के लाते हैं? आप बनाते हैं अपने आप? बहुत बढ़िया। अग्रवाल सॉफ्टी, पाव भाजी, भेलपुरी सब मिलेगा आपको यहाँ खाने के लिए। यहाँ पर ये कप देख सकते हैं आप, कितने प्यारे प्यारे कप हैं ये देखिए, कलर तो इनके इतने बेहतरीन हैं कि
पूछिए मत। बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे। आप यहीं से हैं, काशीपुर से? कहाँ से? बुलंदशहर से। भाई गॉड, कितनी दूर से आए हैं आप। ये कितने का सेट है भाई साहब? 120 के छः पीस। ये तो पाँच ही हैं। ओह, एक रुपये। ठीक है ठीक है, सही है। 120 के छः पीस। इसमें और भी कलर मिल जाएंगे लोगों को। कौन कलर डिज़ाइन है? वाह वाह, आप भी बुलंदशहर से आए हैं? बहुत दूर से आए हैं आप? बहुत दूर से। बहुत दूर से। चलो, आपके हौसले बुलंद रहे हैं और आपका ये बिजनेस लगातार फले फूले। बिल्कुल बिल्कुल, देवी मैया की कृपा रहेगी आप पे। जब आप उतनी दूर से आ रखे हैं यहाँ माता रानी के दरबार में अपने काम के लिए, तो ज़रूर होगा। ठीक है भाई साहब, शुभकामनाएं आपको। देखो तो भैया कितनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे। चैती मेले में उन्होंने भी एक छोटी सी शॉप खोली है। तो फ्रेंड्स, चैती मेले से रिलेटेड इस वीडियो को अब हम यहीं पर कर रहे हैं समाप्त। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह के मनोरंजक वीडियो हम अपने चैनल पर लगातार लाते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।